जब ताकत और सेहत की बात होती है, तब हमारे नाम में जो चीज लिख गई है वो लिख गए हैं इंजेक्शन, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन वगैरह के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया जाता है और हम इनका इस्तेमाल करके बीमारियों की चपेट में आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के नाम पर हमें जो केमिकल्स खिलाए जाते हैं, विटामिन्स के नाम पर जो हमें केमिकल खिलाए जाते हैं, विटामिन बी के नाम पर हमें मिथाइल कोबालामिन जैसी चीजें खिलाई जाती हैं, और वो लोग खुद क्या करते हैं? आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन और जितने कितने सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर किस तरह से ये लोग अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, यहां पर अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर ऐसे ऐसे शोरूम आपको जड़ी बूटियों के मिलेंगे कि आप कदम रखते वहां से डरेंगे। इतना हाईटेक मामला होता है वहां का, और वहां पर से ये लोग जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, सेहत बनाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं। यहां हम इस्तेमाल करते हैं कैप्सूल्स, कैप्सूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, टेबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है और जिनको सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, सेहत बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके यहां पर पैदा होने वाला एक पौधा जिसका बॉटनिकल जो नेम है वो एबेटिलोन इंडिकम है, एब्यूटिलोन इंडिकम, ये पौधा हमारे इंडिया में पाया जाता है और इसको हम बिल्कुल नाकदरी की नजर से देखते हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि ये पौधा क्या है, ये पौधा वाकई में हमारी सेहत को सुधारने के लिए, हमें एक नई जिंदगी देने के लिए, हमारी पावर को बढ़ाने के लिए एक अजीबोगरीब चीज है जिसको कहते हैं अति बला। अति बला जिसको खरेटी भी कहा जाता है, जिसका जो बॉटनिकल नेम है अभी मैंने आपको बताया था एब्यूटिलियम इंडिकम। तो ये एब्यूटिलॉन इंडिकम के नाम से अमेरिका के बाजारों में, ये ब्रिटेन के बाजारों में और यूरोपियन जाने कितनी कंट्रीज के अंदर इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के बेचा जाता है और वो लोग बड़े महंगे दामों पर वो एक्सट्रैक्ट खरीदते हैं और अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अति बला या खरेटी कहते हैं। लेकिन हम लोग इसके इस्तेमाल के बारे में जानते नहीं, इसको पालतू का पौधा समझ लेते हैं और ये पूरे जहां भी ये भारत में होता है वहां ये पूरे अपने टाइम को पूरा करता है, खड़ा रहता है और इंतजार करता है कोई कदरदान आए और मुझसे फायदा उठाए। लेकिन होता क्या है, अपना वक्त पूरा करने के बाद में ये बेचारा मर जाता है, नेक्स्ट सीजन में ये फिर पैदा होता है, फिर किसी आस में जीता है कि शायद कोई, मैं एक अल्लाह की रहमत हूं और मुझसे अल्लाह की रहमत से कोई फायदा उठाएगा, लेकिन लोग जानते हैं। आज मैं आपको इस चीज का ये राज से पर्दा हटा रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम खरेटी कहते हैं या जिसको हम एब्यूटोलॉन इंडिकम कहते हैं, जिसको हम अति बला कहते हैं। या आप देखा होगा आपने कहीं अगर, तो इस पर छोटा सा पीला सा फूल होता है और इसका ये एक बोंदना इस पर उतरता है जिसके अंदर बीज होते हैं, तो ये इसकी खास पहचान है। इस तरह का जो फूल है, फूल नहीं, फूल तो वो पीला वाला जो होता है वो होता है, इसके ऊपर जो एक ये डोडा उतरता है इसके ऊपर जिसके अंदर बीज होते हैं, ये इसकी खास पहचान है। ऐसा डोडा फिर किसी और पौधे पर नहीं होता, अल्लाह ताला ने इसको एक खास पहचान देकर भेजा है ताकि लोग इसको पहचाने और फायदा उठा लें, लेकिन हम लोग फायदा नहीं उठाते हैं। देखिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो इसको जड़ के साथ में उखाड़ लीजिए, जड़ के साथ में उखाड़ लीजिए, फिर इसको
बारीक टुकड़ों में काट लीजिए, फिर इसको आप पानी के अंदर जितना वजन हो उससे कम ऐसे ऐसे मानकर चलिए कि 4 गुना पानी, ऐसे समझ के चलिए कि 4 गुना पानी इसके अंदर डाल दीजिए। एक 24 घंटा इसको रखा रहने दीजिए, फिर इसको रगड़ के अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से, जितना भी आपसे हो सके अपने हाथों से मल मल के इसको निकालिए, और फिर इस पानी को छान लीजिए। इस पानी को छानने के बाद में फिर आग पर रख दीजिए और आग पर इसे उड़ाना शुरू करिए। ये पानी खुश्क हो जाएगा, अंत नीचे बचेगी गाढ़ी रतूबत। उस गाढ़ी रतूबत को आप किसी प्लास्टिक पॉलिथीन पर फैला दीजिए धूप में। फिर जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें हासिल होता है, वो है इसका सत्व, या इसको सत्व, या इसका एक्सट्रैक्ट। अब इसको इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या चीज है। कहते हैं ना, क्या बला है यार, जो अजीब वो गरीब चीज होती है उसी को कहा जाता है बला। क्या बला है यार, लेकिन इसको भी लोग गलत सेंस में यूज करने लगे, इस वर्ड को भी बला, वो बला भूत बला, यानी ऐसी कोई चीज जो खराब हो, जो गलत हो, उसका इस्तेमाल में बला का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये अति बला है, अति कहते हैं ज्यादा, और बला बला की चीज, अजीब वो गरीब। क्या कहते हैं ना, जब बीवी जो मैडम है सुंदर लग रही हो, के बला लग रही है आज, तो तारीफ करते रहा करो कि जो है ना बेलन से वास्ता थोड़ा कम पड़े। तो इसको पहचान लीजिए, फिर जड़ समेत इसको उखाड़िए इस तरह से जैसे मैंने बताया, इसके एक्सट्रैक्ट तैयार करिए और फिर इसको इस्तेमाल करिए। और इसके साथ में चंद और चीजें अगर आपने मिला दी तो समझिए बम्बॉटमेंट। जी हाँ, आपको जिम शिम विम डिम जितने भी आप करते हैं ना, उसमें जितने भी आपको ये दिए जाते हैं सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं बड़े बड़े महंगे, सबको भूल जाइएगा, सबको भूल जाइएगा। इसके अंदर सिर्फ एक अश्वगंधा और मिला दीजिए साथ में, बस बराबर मात्रा में अश्वगंधा मिला दीजिए। इसके सत्व के अंदर, इसके सत्व के अंदर 2 मात्राएं अश्वगंधा की, 1 मात्रा इसकी, क्योंकि ये अब सत्व है, अब इसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है, बहुत गुना बढ़ चुकी है, इसलिए इसको बराबर मिकदार में नहीं रखना। तो दोस्तों इसको बनाइए। जो लोग ताकत के मुतमन्नी हैं, ताकत हासिल करना चाहते हैं, वो लोग देखिए, ये एंटीबायोटिक भी है, ये आपके बुखारों को भी खत्म करती है, ये एंटी मलेरियल भी है, और एंटी प्रोबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है, तो ये आपके गट को भी बेहतर करती है, ये आपके वीर्य को भी गढ़ा करती है, ये आपकी स्तंभन पावर को भी बढ़ाती है, ये आपके अंदर खून के अंदर जो अब जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खून की गंदगी होती है, टॉक्सिन होते हैं, उनको भी बाहर निकालती है, ये आपकी त्वचा के अंदर निखार भी पैदा करती है, ये आपके मस्तिष्क के अंदर ताकत भी पैदा करती है, इसके अंदर विटामिन सी भी होता है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इसके अंदर आयरन है, फॉलिक एसिड है, इसके अंदर आपको कॉपर मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलेगा, ऐसी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं कि जो आपकी सेहत को बहुत 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 बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम भी इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, और आप भी बनाइए, इस्तेमाल करिए। इसका मैंने और नुस्खे भी दिए थे मैंने, तो लोग इसको पहचानते नहीं है, लोगों ने कई कितने सारे कमेंट किए कहाँ मिलेगी, लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, लेकिन ये मिलती है, जहां होती है बहुत होती है। तो इसको इस्तेमाल जब आप करेंगे तो वाकई में देखेंगे कि जिंदगी में बदलाव आने लगा है, जिंदगी बड़ी हसीन सी हो गई है, ताकत खुल के ताकत आ रही है बढ़िया वाली, जो आपके सप्लीमेंट से नहीं आ रही थी, और सप्लीमेंट तो आपके जीवन का बेड़ा गर्क कर देते हैं, अगर मानिए आपकी किडनी को फेल कर देते हैं, लीवर को आपके बेकार कर देते हैं, मत लीजिएगा, अगर लेते हैं तो आज से बंद कर दीजिए और इसको लेना शुरू करिए, और देखिए इंशाल्लाह बॉडी भी आपकी फिट पाट रहेगी, बम्पार्टमेंट रहेगी, बिल्डर बन जाओगे, बॉडी बिल्डर आप बॉडी बिल्डिंग का काम कर चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो इसका पाउडर इस्तेमाल करिए आप, फिर देखिए इंशाल्लाह गजब 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 इंशाल्लाह, देखो तो सही इस्तेमाल करके आप। आज ये एक महान चीज के दर्शन मैंने आपको कराए हैं, एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा आपको दिया है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही बढ़िया सा इलाज लेकर, लेकिन इसको तैयार करके जरूर बनाइए, और नहीं बनाया जाता तो इसका एक्सट्रैक्ट हम तैयार करते हैं, चाहोगे तो प्योर एक्सट्रैक्ट आपको दे देंगे, और चाहोगे तो इसको अश्वगंधा के साथ में हम इसको
मिक्सअप करके दे देंगे जैसा आप चाहें। इसका अगर खाली एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल किया जाए तब वो भी बहुत 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 ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।